अयोध्या जनपद के हैदरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत हतिगो स्थित सकूल का पूर्वा निवासी रामनयन मिश्रा जी के घर को बुधवार बीती रात चोरों ने बनाया अपना निशाना। आगे की जानकारी के लिए चलते हैं अपने संवाददाता पंडित एसपी भट्ट की खास रिपोर्ट पर। अयोध्या जनपद के विकासखंड तारुण ब्लॉक के ग्राम पंचायत हतिगो के पूरे पराग मिश्रा में हम मौजूद हैं श्री रामनयन मिश्रा जी के यहाँ, जहाँ पर आज रात में चोरी हुई है। कैसे हुई चोरी सर? अब मैं तो उपस्थित नहीं था, रात में फैजाबाद में थे और सुबह 7 बजे मुझे लड़के ने फ़ोन करके सूचित किया कि इस तरीके से घटना हुई है। घर के पीछे से जो है ना पूरब तरफ खिड़की है और खिड़की से जो है ना वो लोग पीछे से दीवार से चढ़ करके जो है छत पे आए और जीने पर जो है ना गेट नहीं है और आंगन में उतर आए, आंगन से कमरे में घुस करके जो कुछ भी था उसमें चोरी की है। लड़का हमारा और मेरी बहू थी अंदर में, लेकिन उसके गेट में जो है ना ताला बंद कर दिया, वो जंजीर लगा दिया और पर्दा लगा दिया और उसी तरफ से जो है ना खिड़की से ही खोल करके दोनों गेट जो है ना पश्चिम की तरफ, पश्चिम और दक्षिण की तरफ निकल गए। कितने बजे की घटना है? 12 बजे की बात की घटना है। कोई जागा था कि नहीं? कोई जग नहीं पाया था। अच्छा, सुबह जानकारी हुई, सुबह जानकारी उठने के बाद अंजाम देने के बाद जी। किसी के ऊपर आपको शक है? अब शक तो मेरे मुझे किसी के ऊपर है नहीं इस तरीके से। तो क्या जो हाथियों में ऐसी चोरी हुई उन्हीं के तार जुड़े हैं तो हो सकते हैं गोहानी धोबी घर में? गोहानी धोबी घर में अब हो सकते हैं, क्योंकि घटना जैसे वहाँ हुई है वैसे सेम घटना जो है ना यहाँ भी हुई है हमारे यहाँ। तो कौन आया था पुलिस? अब पहले सुबह जो है ना 100 नंबर डायल करके जो है ना फ़ोन किया गया तो 100 नंबर आई थी। इसके बाद जो है ना थाने पर भी फ़ोन किया गया था, थाने से फोर्स वगैरह, थाने में किसी को नामनेट किया गया है? क्या कहा एसएचओ ने जो है ना यहाँ तो तहरीर लिया नहीं और कहा कि जो है ना लड़का हमारा था उसी के नाम से तहरीर पड़ी हुई है। कब तक आश्वासन दिया है खुलासा करेंगे? ऐसा कुछ आश्वासन नहीं दिया है, उन लड़के को बुलाया है तहरीर लेकर के, वो थाने गया है, देखिए आगे क्या कार्यवाही वो लोग करते हैं। आपको किसी के ऊपर संदेह है क्षेत्र में? नहीं, संदेह मुझे किसी के ऊपर नहीं है। किसी के ऊपर संदेह नहीं है जी? कितने रुपये का सामान गायब हुआ है? और सामान तो जो है ना ये मान करके चलिए कि 3-4 लाख रुपए तक का सामान जो है गया है। सोने चांदी के भी सामान गए? हाँ, सोने चांदी के ही सामान गए हैं और कुछ नहीं गया है। अच्छा अच्छा जी। नकदी नहीं गई है? नहीं, नकदी नहीं गई है। अच्छा जी। अब अटैची वगैरह तोड़ डाले हैं और क्या कहते हैं पेटी तोड़े हैं, अलमारी का लाकर और अलमारी भी तोड़ काट दी है। कहीं कुछ सुराग मिला है? नहीं, हमको कोई ऐसा सुराग नहीं मिला। खेत में कहीं अटैची उटैची खुली पाई? हाँ, गांव से जो है ना पश्चिम और दक्षिण, एक जादोपुर के जो है ना सेवानिवृत्त जो है ना सूबेदार हैं श्री मुरलीधर शर्मा, उनके गन्ना का खेत है डेंड के किनारे, वहाँ पर जो है ना अटैची पेटी और जो है ना तो उधर से हमें लगता है चोर निकले सीधा हाईवे गए वहीं से।